अरे बाबा घुसा मोबाइल में, मर जा मोबाइल में, पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज है कि नहीं? आखिर तो सीरियस कब होगा? जब आप मुझे वसीम सेल ट्यूटोरियल्स में डालोगे। क्या इनायत, क्या माफ सर, तुम अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस कब होंगी? जब आप मुझे वसीम सेल ट्यूटोरियल्स में डालोगे तब। क्या दिन रात क्या सोता रहेगा? आखिर पढ़ाई को लेकर सीरियस कब होगा? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल में डालोगे। अब स्टडीज को लेकर सब होंगे सीरियस, क्योंकि वसीम सर ट्यूटोरियल्स में ही मिलेगा आपको वन ऑन वन टीचिंग एक्सपीरियंस, जहां पर हर एक स्टूडेंट को एक टीचर अलॉट किया जाएगा, ताकि स्टडीज में स्टूडेंट का फोकस बना रहे। हमारे टीचिंग मेथड को समझने के लिए आज ही हमें कॉन्टेक्ट करें। नासिक के सिड़को परिसर में हुआ गैंग वॉर, वैभव शिर्के दर्शन दोंदे गैंग में हुई भिड़ंत, स्थानीय लोगों में फैली दहशत। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 7 अप्रैल रविवार को शाम के समय नासिक के सिड़को परिसर में त्रिमूर्ति चौक है, इस त्रिमूर्ति चौक पर एक वारदात घटी है। वारदात है गैंग वॉर की। किस तरीके से गैंग वॉर हुआ है? गोलियां चलाई गई है, पिस्तौलें निकाली गई है और तलवारें कोयते आदि भी चलाए गए हैं। इससे स्थानीय लोगों में दहशत फैली है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, अपनी खबर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नासिक में कानून व्यवस्था बनी हुई है। दर्शन दोंदे सूत्रों के मुताबिक पूर्व भाजपा विधायक के घर से संबंधित है और कुख्यात अपराधी है, कई आपराधिक मामले दर्ज है। उसी तरह से वैभव शिर्के भी एक अपराधी है, दोनों अपने अपने गिरोह चलाते हैं और इनके बीच पिछले अरसे से मनमुटाव चल रहा है, कुछ झगड़े चल रहे हैं। इन्हीं झगड़ों के चलते बीच में एक बार इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, लेकिन दोबारा किसी बात को लेकर अनबन हुई और उसी बात का खुलासा करने के लिए दर्शन दोंदे ने वैभव शिर्के को त्रिमूर्ति चौक पर बुलाया था और वहां पर फिर बुलाने के बाद बात के बजाय सीधे मारपीट और फायरिंग शुरू हो गई। देखिए फिलहाल त्रिमूर्ति चौक और उसके आसपास के लोगों में इस गैंग वॉर के चलते काफी भय फैला हुआ है, काफी दहशत फैली हुई है और देखते हैं कि नासिक पुलिस इसका किस तरह से इंतजाम करती है। तो कॉल पडला का काकडा तिकडे गेले बरोबर का आपला समोरून मी कॅमेरा आहे ना, छोटे नाही हे तिकडे